लोगों ने पनवेल एनसीपी के नए उपाध्यक्ष, हिंदी भाषियों को एकजुट करने का दोहराया संकल्प। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हिंदी भाषी नेता आर्यन यादव को एनसीपी का पनवेल शहर जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष सतीश पाटिल ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बधाई दी और विश्वास जताया कि यादव रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नई मजबूती दिलाने में सफल रहेंगे। इस अवसर पर सूरदास गोवारी, किशोर देवेदकर, कृष्णा मर्धेरकर, शिवदास कांबले समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। अपनी नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए आर्यन यादव ने राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के प्रति आदर प्रकट करते हुए कहा कि वे पार्टी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ पनवेल में एनसीपी को मजबूत करने और हिंदी भाषियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जहां भी हिंदी भाषी तकलीफ में होंगे उनकी मदद करने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं पनवेल शहर का जिला उपाध्यक्ष हूं और मैं वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2001 में आया था और तभी से मैं कल्याण में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूं। जब जब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है मुझे उपाध्यक्ष का लेटर मिला है और आपको मालूम है कल्याण में मैं लगातार, चाहे सिग्नल का बात हो या कोई भी जन समस्या हो या पुनर्वसन की बात हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन हनाम नहीं किया। तो अब यहाँ जो नए जगह पर हमें जो मिला है हम उसी तरह से काम करने की इच्छा रखते हैं। जब लोग समझते हैं कि हमारा आदमी किसी पार्टी में उनके लिए काम करता है तो हम उनके हो जाते हैं और वो हमारे हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने लोगों के लिए जो जो उनकी समस्या है उसको हल करूं तो हमारे हो जाएंगे और हम उनको पार्टी से जोड़ लेंगे। पनवेल शहर में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज है और उसमें जो गरीब मजदूर जो लोग हैं वो पलायन किए हुए हैं, वापस आएंगे। कोरोना के समय भी हम लोगों ने बहुत मदद किया, हमारी टीम ने, हम यहाँ पदाधिकारी नहीं थे फिर भी अपनी टीम बनाई थी और हमने मदद किया। तो जब वो आएंगे तो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे उन फैक्ट्रियों से जहाँ वो पहले काम करते थे, उनकी व्यवस्था और आगे इस तरह की कोई बात ना हो, उनके पास समस्या ना आए, उसका हम पहले से ही उपचार करेंगे और इस तरह से हम उनको एक व्यवस्था देंगे ताकि वो इस तरह के अचानक फिर किसी क्रियाकलाप में फंस कर अपनी तकलीफ को अपनी न बढ़ाएं और हम उनकी तकलीफ को हमेशा दूर करने का कोशिश करेंगे। जब भी उनको कोई तकलीफ हो, जब भी उनको कोई समस्या हो, उस समस्या से हमें अवगत कराएं और हम उनके समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हिंदी भाषी पनवेल में बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और देखिए हिंदी भाषी उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है जो उनके लिए मान सम्मान और उनके लिए काम करने की जो पार्टियां इच्छा रखती हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके आशा के अनुरूप अपने को ढाल लें। गौरतलब है कि आर्यन यादव महाराष्ट्र के कद्दावर हिंदी भाषी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2001 में उन्हें पहली बार कल्याण राष्ट्रवादी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तब से वे विभिन्न पदों की जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल लोकसभा सीट से एनसीपी प्रत्याशी पार्थ पवार को लीड दिलाने में भी आर्यन यादव की अहम भूमिका रही। उनकी नियुक्ति पर तमाम हिंदी भाषी संगठनों और पदाधिकारियों ने बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।